एक फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश करेंगी। आम बजट से उद्योग व्यापार जगत से जुड़े लोगों को खासी उम्मीदें हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में देश का आम बजट पेश करने जा रही हैं। आम बजट को लेकर शहर के प्रमुख शू एक्सपोर्टर्स प्रदीप वासन ने कहा कि ताजनगरी जूते का देश में सबसे बड़ा जूता उत्पादक है। रशिया, यूक्रेन, इजराइल, गाजा के बीच चल रहे युद्ध के चलते यूरोप और अमेरिका डिस्टर्ब है। आम बजट में वित्त मंत्री को शू एक्सपोर्टर्स को राहत देने के लिए विशेष प्रावधान करने चाहिए। हमें उम्मीद ये है कि कुछ एक्सपोर्टरों के लिए टैक्स बेनिफिट होने चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट अब बहुत टफ होती चली जा रही है। यूरोप और अमेरिका की हालत जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी है, बिज़नेस बहुत डाउन जा रहा है। आगरा में भी बहुत कम ऑर्डर्स हैं जूते के, और चेन्नई में भी बहुत कम ऑर्डर्स हैं। जो स्थिति चल रही है उस हिसाब से गवर्नमेंट को कुछ एक्सपोर्ट इम्प्रूव करने के लिए ड्रॉबैक बढ़ाना चाहिए और कुछ टैक्स बेनिफिट्स देने चाहिए कि हमें जो GST पहले जमा करनी पड़ती है वो किसी फॉर्म के अगेंस्ट, जैसे पहले हुआ करता था 3B फॉर्म के अगेंस्ट, हमें बिना GST जमा करे मटेरियल हम खरीद लेते थे और फिर उसकी हम पूर्ति करते थे कि हमने ये मटेरियल जो है जूता बना के एक्सपोर्ट कर दिया, तो उससे हमारा थोड़ा सा फाइनेंस इम्प्रूव होगा। इस जो बजट पेश होने जा रहा है, हमारी उम्मीद यही रहेगी खास तौर पर सरकार से कि इस बजट में उन लोगों का ध्यान दिया जाए, क्योंकि 90% जनसंख्या में जो मध्यम से भी नीचे वर्ग के हैं वो भी जूते व्यापार से लिंक्ड है कहीं ना कहीं। जैसे कि हमारा धागे का है, हम जूते से लिंक है, कहीं ना कहीं सब जूते से लिंक है। तो जूता व्यापारियों को खास तौर पर राहत देनी चाहिए, जितना हो सके आगरा को जूते में बढ़ावा देना चाहिए। आयात जितना भी हमारा एक्सपोर्ट है आगरा से, उसमें हमें छूट मिलनी चाहिए। छोटे व्यापारियों को कम से कम पेपर वर्क में अधिकारियों की तरफ से दिक्कत दी जानी चाहिए। हर बार में एक कानून ऐसा बन जाए कि इतना फिक्स हो जाए छोटे व्यापारियों के लिए, वो उस हिसाब से वो देते रहें, तो उनको भी दिक्कत नहीं होगी और वो आराम से कारोबार करता रहेगा और ऐसे ये जूता व्यापार आगे अपनी तरक्की करता रहेगा। आम बजट को लेकर शहर के प्रमुख बिल्डर एवं होटल व्यवसायी PL शर्मा ने कहा कि ताजनगरी में होटल और पर्यटन व्यवसाय प्रमुख व्यवसाय है। केंद्र सरकार होटल और टूरिज्म इंडस्ट्रीज में खासा ध्यान दे रही है। निश्चित ही वित्त मंत्री इन दोनों सेक्टर्स को कुछ राहत बजट में देंगी। इस बार के बजट में चूंकि ये चुनावी बजट है, तो सभी व्यापारियों को बहुत उम्मीद है कि इस बार का बजट व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा होगा। खासकर होटल इंडस्ट्रीज और रियल इस्टेट के लिए इसमें अच्छे प्रावधान किए जाएंगे कि दोनों सेक्टर इस वक्त अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, दोनों का अच्छा कार्य हो रहा है, तो सरकार की तरफ से इसके लिए कुछ बहुत अच्छी घोषणाएं जरूर होंगी। MSME का जो मांग है वो तो होनी चाहिए, क्योंकि ये व्यापारियों के बहुत हित में हैं, उसमें व्यापार बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो देश में विकास में सबसे ज़्यादा SMHC का बल्कि योगदान है। एज इंडस्ट्रीज़, तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को पहले तो MSME सेक्टर में लिया जाए, जो कि अभी तक उन्होंने पहले प्रपोज़ किया हुआ था लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। साथ में ही टैक्स में भी हमें छूट मिलनी चाहिए, स्पेशली सैलरीड पर्सन के लिए ये बार थोड़ा सा और बढ़े, और इंडस्ट्रीज़ को भी, हमारी इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी चीज़ें हैं जो कि MSME सेगमेंट में आने के बाद काफ़ी चीज़ें सहूलियत हो जाएगी, जो कि क्योंकि अभी हमारा जो टैक्स स्लैब है वो बहुत हाई है। तो हॉस्पिटलिटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, और जैसा मैं अभी देख रहा हूँ मोदी जी और योगी जी दोनों ही टूरिज़्म सेक्टर पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, और अयोध्या के बाद तो यूपी शायद देश में पहला टूरिस्टिक स्पॉट बनने वाला है, तो उस लिहाज से इन्हें हॉस्पिटलिटी सेक्टर के लिए टैक्स छूट देना चाहिए, स्लैब बढ़ाने चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। दो यूपी में काम तो हो रहा है, लेकिन हम इसको एक यथा प्रक्रिया है, चलती रहनी चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाएगा।
आम बजट को लेकर होटल भावना क्लार्कसन के जीएम गजेंद्र सिंह ने वित्त मंत्री से होटल इंडस्ट्रीज को एमएसएमई सेक्टर्स में लाने की मांग की है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का यह आम बजट केंद्र सरकार का अंतरिम बजट है। अब देखना यह होगा कि केंद्रीय वित्त मंत्री आम बजट में विभिन्न सेक्टर्स के लिए क्या घोषणाएं करती हैं। यह तो संसद में आम बजट पास होने के बाद पता चल पाएगा। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट। आगरा के सबसे लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।